नमस्कार साथियों, वीनास एडिग्रिड में आपका स्वागत है। एक्यूप्रेशर के इस सीरीज में हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना, इस समस्या को कैसे ठीक करें इसे हम जानते हैं। हमने इस वीडियो को पहले भी इसे इंग्लिश में बनाया है और लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसे हिंदी में भी बनाइए, इसीलिए हम आज इसे हिंदी में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम हेयर फॉल की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला उपाय है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी के माध्यम से कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको चाहिए दो कलर स्केच पेन, जो है एक लाइट ब्लू कलर और एक येलो कलर। और इसे लगाना कहाँ है, लगाना आपको है दोनों हाथों के रिंग फिंगर के ऊपर मिडिल जॉइंट पर लगाना है। हर फिंगर में आपको तीन जॉइंट मिलेंगे, यह है अपर जॉइंट, यह है मिडिल जॉइंट और यह लोअर जॉइंट। तो आपको चूज करना है मिडिल जॉइंट, रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर। तो क्या करना है आपको, इस तरह से येलो स्केच कलर पेन लेना है और इसे एक रिंग चारों तरफ इस मिडिल जॉइंट के बनाना है। और उसके बाद से आपको लेना है दूसरा कलर, जो है ब्लू कलर। ब्लू कलर का लेना है और इस तरह से, आपको येलो कलर का नहीं दिख रहा है, मैंने पहले से बना कर रखा है पर आपको दिख नहीं रहा है, पर मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, एक रिंग बनाया है चारों तरफ, यह आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो इस तरह से एक ब्लू कलर का रिंग बनाना होगा। तो इस तरह से येलो कलर का रिंग और ब्लू कलर का रिंग बनाना है और दूसरे फिंगर के रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर भी आपको बनाना है, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का रिंग बनाना है। और इसे आपको 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। दूसरा उपाय हम बताते हैं एक्यूप्रेशर की बॉल। इस तरह से एक्यूप्रेशर की बॉल लेनी है जो येलो कलर में होती है। येलो कलर की बॉल की खासियत यह है कि यह पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। पृथ्वी तत्व का गुण क्या है, पृथ्वी तत्व का गुण है कि होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसमें किसी चीज को होल्ड करती है, किसी चीज को जकड़ के रखती है। इसी तरह से क्योंकि यह येलो कलर की बॉल पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, इसका भी गुण है कि यह किसी चीज को होल्ड कर रखे। तो इसे करना क्या है, इसको आपको लेना है और इसके आपके हथेली के बीच में, मिडल में, इस तरह से आपको 2 मिनट के लिए इस तरह से रगड़ना है और इसके बाद 20 मिनट के बाद आपको खाना खाना है। यानी कि खाना खाने के 20 मिनट पहले आपको येलो कलर की एक्यूप्रेशर बॉल लेनी है और इस तरह से 2 मिनट के लिए आपको रगड़नी है। तो यह हो गई दूसरी उपाय। तो तीसरा उपाय हम बताते हैं आपको मैग्नेट्स के माध्यम से। तो मैग्नेट आपको मिलती है इस तरह से, इसे बोलते हैं स्टार मैग्नेट, जो पीछे से ब्लैक कलर की होती है और सामने से यह सिल्वर कलर की पॉइंटेड एज होती है। तो इसे क्या करना होता है, आपको एक डॉक्टर टेप लेनी होती है और डॉक्टर टेप के ऊपर इस तरह से आपको मैग्नेट को चिपका देना है। यानी कि ब्लैक कलर जो है टेप के ऊपर चिपकेगा और ये जो सिल्वर कलर का पॉइंट है ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो इस तरह से करना है। और इसको लगाना कहाँ है आपको, इसे मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट, और ये मिडिल जॉइंट किस तरफ सी होनी चाहिए, जिस तरह आपकी रिंग फिंगर है उस तरफ होनी चाहिए। तो आपको ये स्टार मैग्नेट, मैंने आपको ये मार्किंग बनाई हुई है, ये यहाँ पर इस जगह पर आपको लगानी है। आपको ब्लैक कलर यहाँ नहीं लगानी है, पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ब्लैक डॉट लगाया है। आपको यह इस जगह पर आपको इस तरह से स्टार मैग्नेट लेनी है और इस तरह से इसको चिपका देनी है और रात को छोड़ देनी है। आपको 6 घंटे या 12 घंटे के लिए आप छोड़ सकती हैं। इसी तरह से आपको दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर ऑफ द मिडिल जॉइंट, इसे चूज करना है जो रिंग फिंगर के साइड हो। इस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर भी मार्क करके बना दिया है, इस पर आपको इस तरह से स्टार मैग्नेट लगानी है। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट ना हो तो क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं, आप लगा सकते हैं, फिर भी लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस जगह पर आपको मेथी दाना ले सकते हैं। मेथी दाना तो हर घर में होती है, तो आप इसे लेकर आप इसे डॉक्टर टेप पर चिपका सकते हैं और इसे फिर से उसी जगह पर आप इसे लेकर लगा देना है, 6 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अगर छोटे बच्चे हैं,
छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जो 60 साल के ऊपर हैं उन लोगों के लिए आपको बस 2 घंटे के लिए, और बाकी लोगों के लिए आप 6 घंटे के लिए आप इसे लगाकर छोड़ सकते हैं। तो आप इन तीनों उपायों को आप आजमाइए और हमें लिखकर बताइए कि ये और कब तक लगाना है। इसे लगाना है जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए, तब तक इसे लगाते रहना है। तो अगर आप इसके लिए कोई दवा ले रहे हैं या फिर कोई हेयर ऑयल या फिर शैम्पू या फिर जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ये एक्यूप्रेशर की तीनों उपाय भी आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी आप इस समस्या से जल्दी ही इसे निदान पा सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में हम जरूर और किसी और समस्या के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और इसे लाइक करें और इसे इसके ऊपर अपना कमेंट भी दें कि ताकि हमें इसकी मोटिवेशन मिल सके, हम आगे भी और सारे और वीडियोस बना सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।